हेलो एसपैरेंट्स वेलकम बैक टू द सेशन ऑन इंट्रोडक्शन टू यूपीएससी सीएससी पार्ट टू तो पार्ट वन में हमने फेज़ वन को डिस्कस किया था जो कि प्रीलिम्स का था अभी पार्ट टू में हम मेंस यानि फेज टू को डिस्कस करेंगे इसमें भी हम केवल लैंग्वेज पेपर ऐसे पेपर और सब्जेक्ट लिस्ट क्या है जी के लिए इसको डिस्कस करेंगे जीएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है इसलिए हम उसको अलग से वीडियोस में कवर करेंगे

टू को देखते हैं इस वीडियो में तो फेज टू जो है वो मेंस है इसका जो पेपर पैटर्न है डिस्क्रिप्टिव है यानी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आंसर लिखना पड़ेगा विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट तो इसके कंपोनेंट्स क्या है तो इन ऑल टोटल नाइन पेपर्स है उसमें से दो जो है जो लैंग्वेज पेपर है वो क्वालिफाइंग है यानी कंपलसरी इंग्लिश और एक इंडियन लैंग्वेज वाला पेपर उसके बाद एक ऐसे का पेपर है जो ढाई सौ मार्क के लिए है फिर जीएस के चार पेपर है ढाई सौ मार्क ईच फिर ऑप्शनल के दो पेपर हैं, वन एंड टू अब ऑप्शनल के लिए लिस्ट क्या है ऑप्शनल जो है यूपीएससी ने ऑलरेडी फोर्टी एट सब्जेक्ट्स रिकमेंड किए हैं उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा ओके सो टोटल मार्क्स जो है मेंस के लिए है वन सेवन फाइव जीरो यानी सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी मार्क्स के लिए टोटल मेंस रहेगी आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी यानी फाइनल यूपीएससी सीएससी एस का जो रिजल्ट रहेगा वो आपका मेंस का स्कोर और इंटरव्यू का स्कोर इन दोनों को मिलाकर आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग बनेगी ओके सो मूविंग ऑन क्लासिफिकेशन फॉर सिंप्लीफिकेशन ओके अगर हम मेंस का पेपर्स को क्लासिफाई करें तो उसको किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है तो उसको हम चार पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं पहला जो है लैंग्वेज पेपर का पार्ट हो गया फिर ऐसे फिर जनरल स्टडीज और फिर ऑप्शनल का तो लैंग्वेजेस पेपर में दो कंपोनेंट्स हैं यानी इसके बेसिकली दो पेपर्स है पहला कंपलसरी इंग्लिश जो सभी के लिए कॉमन रहेगा उसके बाद इंडियन लैंग्वेजेस वाला पेपर रहेगा तो अब इंडियन लैंग्वेजेस कौन सी है तो ऑल दैट लैंग्वेजेस विच आर इंक्लूडेड इन एट्थ शेड्यूल ओके okay. कॉन्स्टिट्यूशन के आठवें शेड्यूल में जो भी लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई है एट प्रेजेंटली दिज आर ट्वेंटी टू इन नंबर ओके यानी बाईस लैंग्वेजेस है उसमें से आपको आपके लिए इंडियन लैंग्वेज जो है चूज़ करनी पड़ेगी ओके okay. तो इसकी क्या लिस्ट है ये हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे फिर ऐसे पेपर हैं इसका एक ही पेपर है इसमें आपको दो एसेज लिखना पड़ेगा फिर जनरल स्टडीज़ के वन टू थ्री एंड फोर ओके okay, तो इनके टाइटल्स आने वाले स्लाइड में देखेंगे फिर ऑप्शनल ऑप्शनल आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करेंगे ओके कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन से ऑप्शनल पर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए उस पर हम वीडियो बना देंगे सो डिटेल इंफॉर्मेशन है कि सब्जेक्ट्स क्या है सॉरी पेपर्स क्या है और उनके सब्जेक्ट्स कौन से कौन से कहां कहां पर इंक्लूडेड है ओके okay, सो so, पहले जो पेपर है सबसे पहला पेपर आपका मेंस के लिए रहेगा इंडियन लैंग्वेज का ओके okay. और सेकंड पेपर रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का तो ये दोनों जो है इनका नेचर क्वालिफाइंग है यानी आपको मिनिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट मिलाना है ओके इन ऑर्डर टू क्वालिफाई ड्यूरेशन सभी पेपर्स के लिए सिमिलर है थ्री आवर्स के लिए ओके okay. फिर ऐसे के बाद वाले जितने भी पेपर हैं यानी एस ए जी और ऑप्शनल के तो ऑल दीज पेपर्स कैरी टू मार्क्स ईच ओके पेपर so, वन जो है ऐसे का है फिर पेपर टू जीएस वन है तो जीएस वन का टाइटल क्या है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी ओके तो इसमें क्या क्या आ गया हिस्ट्री आ गया एंशंट मिडाइवल और मॉडर्न एज वेल एज वर्ल्ड हिस्ट्री ओके फिर ज्योग्राफी आ गया ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी एज वेल एज सोसाइटी का पार्ट आता है इसमें ओके okay, तो जीएस वन टू थ्री फोर का सिलेबस इन ग्रेट डिटेल हम इसको एनालाइज करेंगे कि कौन से कौन से टॉपिक्स के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है और और मेंस में क्या फर्क है जीएस को प्रिपेयर करने में ओके सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ओके पेपर थ्री जीएस टू इसमें क्या है गवर्नेंस है कॉन्स्टिट्यूशन है वेलफेयर इनिशिएटिव्स है सोशल जस्टिस है एंड इंटरनेशनल रिलेशन है ओके okay. इसको अगर सिंपल तरीके से बताना चाहूं तो इसमें है पॉलिटी और आई आर यानी इंटरनेशनल रिलेशन ओके पेपर फोर जो जीएस थ्री है इसमें क्या है तो टेक्नोलॉजी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट तो बेसिकली ये पांच सब्जेक्ट्स को मिलाकर जीएस थ्री बनता है ओके okay. पेपर फाइव है जीएस फोर यहाँ पर एक ही पेपर है यानी एक ही सब्जेक्ट है इथिक्स वाला ओके इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा रिलेटिवली स्कोरिंग है ओके नेक्स्ट पेपर सिक्स एंड पेपर सेवन जो है ये आपके ऑप्शनल्स है ओके यानी ऑप्शनल पर बेस्ड है यानी एक ही ऑप्शनल का सब्जेक्ट रहेगा उसके दो पेपर रहेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पी एस आई आर लेते हैं तो पी एस आई आर के दो सब्जेक्ट्स रहेंगे यानी दो पेपर रहेंगे ओके सो पेपर पैटर्न फॉर लैंग्वेज पेपर लैंग्वेज पेपर का जो पैटर्न है वही आपका सिलेबस है यानी पैटर्न को एनालाइज करना है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कौन से टॉपिक्स पर क्वेश्चन आते हैं उन्ही को आपको प्रिपेयर करना होगा और वही हो गया आपका सिलेबस ओके okay. तो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इज ट्वेंटी फाइव परसेंट फॉर ईच पेपर दैट इज ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ थ्री हंड्रेड दैट इज सेवेंटी फाइव मार्क्स ओके यानी सेवेंटी फाइव मार्क्स आपको लैंग्वेज पेपर में सिक्योर करना है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फिर क्वेश्चन पैटर्न फॉर बोथ पेपर इज सेम क्वेश्चन पैटर्न यानी पेपर में आने वाले क्वेश्चन जो है वो सिमिलर रहेंगे, उनका जो पैटर्न है ओके okay. तो क्या है पैटर्न तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा ऐसे के लिए ओके okay. 600 वर्ड्स में आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा आउट ऑफ फोर यानी चार ऑप्शन गए उसमें से एक सिलेक्ट करके उसको लिखना पड़ेगा ओके तो ये हो गया पहला क्वेश्चन दूसरा रहेगा कॉम्प्रहेंशन कॉम्प्रहेंशन एक पैसेज रहेगा और उस पर बेस्ड चार से पांच क्वेश्चन रहेगे वो हो गया सिक्सटी मार्क्स के लिए फिर प्रिसाइज राइटिंग प्रिसाइज राइटिंग में क्या है बेसिकली एक आर्टिकल दिया जाएगा नियर अबाउट 800 टू 900 वर्ड्स में ओके उसको आपको कट करके शॉर्ट में लिखना है अब ये कितना है मिनिमम वन थर्ड ऑफ द एग्जिस्टिंग लिमिट यानी 900 वर्ड्स का अगर आर्टिकल है तो उसका वन थर्ड यानी 300 वर्ड्स में उसको आपको लिखना है ये हो गई प्रिसाइज राइटिंग फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू सिलेक्टेड लैंग्वेज फोर ट्वेंटी मार्क्स ओके यानी इंग्लिश का अगर पेपर है तो इंग्लिश का एक आर्टिकल दिया जाएगा ओके okay. उसको आपको ट्रांसलेट करना है आपकी सिलेक्टेड लैंग्वेज में ओके okay. सिमिलरली अगर लैंग्वेज का पेपर है तो वो लैंग्वेज जो आपने सिलेक्ट की है उसमें वो पैसेज रहेगा उसको आपको ट्रांसलेट करना है उसमें क्या क्या आएगा ग्रामर रहेगा बेसिक फिर सिनोनिम्स एंटोनिम्स करेक्ट सेंटेंसेस आइडम्स एंड फ्रेजेस ओके एटसेट्रा रहेगा तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न फॉर लैंग्वेजेस पेपर ओके नेक्स्ट लिस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस तो आपका जो इंडियन लैंग्वेज वाला पेपर है उसके लिए आप कौन कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि मैंशनड है एटथ शेड्यूल में ओके okay. तो ऑल टोटल बाईस लैंग्वेजेस हैं तो सबसे पहली होगी आसमीज बंगाली सॉरी फिर बोडो फिर डोंगरी फिर कोंकणी मलयालम मराठी उड़िया संस्कृत सिंधी तेलुगु गुजराती हिंदी कन्नड़ कश्मीरी मैथिली मणिपुरी नेपाली पंजाबी संथाली तमिल एंड फाइनली उर्दू तो इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं आपके इंडियन लैंग्वेज पेपर के लिए ओके मूविंग ऑन तो ऐसे पेपर का पैटर्न किस तरीके से है तो यहां पर आपको दो एसेस लिखने पड़ेंगे, दो सेक्शंस रहते बेसिकली ओके सेक्शन ए एंड बी तो दोनों सेक्शन में से एक, -एक टॉपिक चूज करके उस पर लिखना पड़ेगा ओके, okay. तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू 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 राइट वन फ्रॉम सेक्शन इन अबाउट उसमें बेस्ड ओके okay. तो ये मार्क्स कंपेरेटिवली वेरी कर सकते okay. जैसा सेक्शन ए को ज्यादा वेटेज हो, हो सकता है ओके okay. या तो फिर सेक्शन बी को ज्यादा वेटेज हो सकता है या फिर दोनों के लिए वेटेज इक्वल हो सकता सो ऐसे पेपर मार्क्स आर काउंटेड अलोंग जीएस एंड ऑप्शनल पेपर फॉर मेन्स रिजल्ट ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे का जो नेचर है ये क्वालिफाइंग नहीं है इसके मार्क्स काउंट किए जाते हैं आपके रिजल्ट में ओके ग्रॉस आइडिया ऑफ सब्जेक्ट्स अब ये सब्जेक्ट्स कौन से है ये जीएस पेपर के लिए है यानी जी एस वन टू थ्री फोर जो आप जो देखे ओके उसके लिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना है शॉर्ट में ओके फॉर सिम्प्लीफिकेशन ओके तो सबसे पहला हो गया हिस्ट्री फिर हो गया आर्ट्स एंड कल्चर और जोग्राफी तो ये जो तीन टॉपिक हो गए ये जो तीन सब्जेक्ट हो गए ये, ये आपके जी एस वन के हो गए तो हिस्ट्री में एंशंट मिडाइवल मॉडर्न एज वेल एज़ वर्ल्ड हिस्ट्री ओके तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे सेपरेटली जीएस में क्या क्या है ओके okay, कौन से कौन से सेक्शन प्रिपेयर करना है उसको देखेंगे फिर आर्ट्स एंड कल्चर है ज्योग्राफी इंडियन एज वेल एज वर्ल्ड है ओके okay. फिर जीएस पेपर में क्या क्या है पॉलिटी एंड आई आर यानी पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन इस पर पेपर टू यानी जीएस पेपर टू बेस्ड रहेगा फिर इकोनॉमिक्स है एनवायरमेंट है साइंस एंड टेक है डिजास्टर मैनेजमेंट सिक्योरिटी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ओके तो ये जो पांच सब्जेक्ट्स हो गए इनको मिलाकर आपका जीएस थ्री हो गया ओके okay, फिर फाइनली जीएस फोर के लिए है इथिक्स और इंटेग्रिटी ओके okay, तो ये शॉर्ट में सब्जेक्ट लिस्ट है जीएस पेपर्स के लिए ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब टू अवर चैनल दैट इज महाराष्ट्र आई एस अकेडमी and press the bell icon. Thank you.